हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं? हम लोग पढ़ेंगे क्या, एग्जाम्पल देखेंगे। क्या देखेंगे? एग्जाम्पल नंबर टू देखेंगे। और एग्जाम्पल नंबर टू किसका हम लोग देखेंगे? देख रहे हैं ना, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री का। ये हम लोग चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं, आधा चैप्टर लगभग कंप्लीट होने वाला है। और क्या करने वाले हैं यहाँ पे, हम लोग कुछ थोड़ा बहुत और एक्स्ट्रा चीज सीखेंगे जो कि एनसीईआरटी में दी गई है, ठीक है, वो थोड़ा सा देखेंगे हम लोग यहाँ पे। देखो प्यारे बच्चों, एग्जाम्पल सॉल्व करने से पहले हम लोग देखेंगे क्या, कौन सा एग्जाम्पल में किस तरीके की चीजें यूज हो रही है, ठीक है। तो ये देखेंगे हम लोग। तो याद रखना प्यारे बच्चों कि ये जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर टू, ये किस चीज से रिलेटेड है। यहाँ पे हमें क्या दिया रहेगा, फोर साइड नहीं, हमें तीन साइड दी रहेगी और यहाँ पे दो डायगनल दिए रहेंगे। क्या? तीन साइड दी रहेगी और दो डायगनल दिए रहेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल में और फर्स्ट एक्सरसाइज 4.1 में हम लोगों ने क्या देखा था, हमने देखा था फोर साइड और वन डायगनल देखा था। और यहां पे हम लोग देखेंगे क्या, यहां पे हम लोग देखेंगे तीन साइड और दो डायगनल देखेंगे, ठीक है। तो यहां पे देख सकते हो, यहां पे मैं पहले से ही लिख के रखा हूं कि यहां पे हम लोग देखेंगे तीन साइड और दो डायगनल देखेंगे, ठीक है। यहां पे भले ही आपको दिख रहा होगा, यहां पे वाइट स्पॉट दिख रहा होगा, तो यहां पे आप देख सकते होगे, इस चीज को मैं इधर लिख देता हूं, ये होगा दो डायगोनल, ठीक है, समझ में आया कि नहीं। दो डायगनल्स आपको दिए रहेंगे। तो ये क्वेश्चन, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है 4.2.2 जो मैंने लिखा है, ये एनसीईआरटी की बुक में लिखा हुआ है। और ये चीज यहाँ पे मुझे लगता है ये चीज आपको बता देना जरूरी है, ठीक है। ये चीज लिखा है व्हेन टू डायगनल्स एंड थ्री साइड्स आर गिवन, जैसा कि हमें पता है क्या, थ्री साइड और दो डायगनल जब दिए रहेंगे तो कैसे बनाएंगे। ध्यान से अब सुनो, जब हमें फोर साइड दी गई थी और एक डायगनल दिया गया था, तब भी यही मेथड लगाएंगे जो अभी यहां पे लगाने वाले हैं। और जब तीन साइड और दो डायगनल दिए रहेंगे, तब भी ये वाला ही मेथड लगाएंगे। और ये मेथड कहता क्या है, देखो यहां पे लिखे हुए हैं, ठीक है, यहां पे क्या लिखे हुए हैं, इस चीज को समझो। मैंने कहा था कि सबसे पहले क्या करना प्यारे बच्चों, सबसे पहले डायगनल बनाना और फिर उस पर क्या करना, फिर उस पर कंस्ट्रक्शन वो करना जिसमें सबसे ज्यादा क्या दे रही होगी। फिर बाद में तुम कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, फिर तुम कर सकते। एसी बना के बाद फिर ट्रेंगल्स बनाना शुरू कर दो। साइड बनाओ मत, ट्रेंगल्स बनाओ। क्या बनाओ? ट्रेंगल्स। तो यही कह रहा है यहां पे कि व्हेन फोर साइड, जब फोर साइड और एक डायगनल दिया था, गिवन वी फर्स्ट ड्रू आ ट्रेंगल, तो हम लोग पहले क्या बनाते थे, ट्रेंगल बनाते थे विद द अवेलेबल डेटा, जो हमें गिवन डेटा था उससे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ट्रेंगल्स बनाना शुरू करेंगे, ट्रेंगल बनाएंगे। और ट्रेंगल बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या यूज करेंगे, डायगनल की साइड यूज करेंगे और उससे ट्रेंगल बनाना शुरू करेंगे। पहले एक कंप्लीट ट्रेंगल पहले बनाएंगे, फिर उसी डायगनल से एक कंप्लीट ट्रेंगल बनाएंगे, हाँ कि ना। एंड देन ट्राई टू लोकेट द फोर्थ पॉइंट, और फिर हम लोग लोकेट करते थे फोर्थ पॉइंट को, जो कि हमें एक नया ट्रेंगल दे देता था, ठीक है। द सेम टेक्निक इज यूज हेयर, ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है कि नहीं। अब मुझे उम्मीद है कि आपने पिछली वीडियो 4.1 की देखी होगी, किस तरीके से हम लोग ड्रॉ कर रहे थे ट्रेंगल्स। वहां पे भी मैंने बताया था कि प्यारे बच्चों, ट्रेंगल्स सबसे पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, डायगनल से ट्रेंगल बनाना पड़ेगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये चीज आपको याद रखना कि जब भी आपको साइड दिया हो, क्या थ्री साइड और टू डायगनल्स दिया हो, या फिर अगर आपको फोर साइड दिया हो और एंड वन डायगनल दिया हो, ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपका कंस्ट्रक्शन सबसे पहले क्या होगा, डायगनल बनाना, और उस डायगनल से क्या करना प्यारे बच्चों, क्या करना, ट्रेंगल बनाना और फिर फोर पॉइंट ढूंढना और उससे ट्रेंगल बनाना। बताते हैं, जैसे कि आपको दिया है कंस्ट्रक्ट का कोऑर्डिनेटर एबीसी, गिवन दैट, देखो एबीसी कह रहा है, तो ये क्या है, मान लेते हैं कुछ इस तरीके से, एक दो, हाँ कि ना, तीन चार, इस तरीके से आपको एक ए बी सी और डी आपको क्या दिया गया, एक ट्रेंगल मतलब एक क्वाड्रिलेटरल दिया है। देखो क्वाड्रिलेटरल कहा है, कह रहा है बी सी, कह रहा है बी और सी कितना है 4.5 सेंटीमीटर दिया है। ए डी कह रहा है, ए और डी कह रहा है हमारा 5.5 सेंटीमीटर, सीधे कह रहा है सी डी जो है वो 5 सेंटीमीटर है, और कह रहा है द डायगनल ए सी क्या है 5.5 सेंटीमीटर,
5.5 सेंटीमीटर। और कह रहा है BD, जो B और D है, ये वाला डायगनल है, ये वाला डायगनल है, ये हमें दिया है 7 सेंटीमीटर। तो आपका सबसे पहला जो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगा, क्या करो आप इन दोनों में से कोई भी, क्या करो कोई भी डायगनल ले लो। तो मैं मान लेता हूं मैंने क्या किया, मैंने ये वाला डायगनल ले लिया, कौन सा, A और C डायगनल, मैंने मेजर किया कितना 5.5 सेंटीमीटर मेजर किया और यहां पे ले लिया। अब प्यारे बच्चों याद रखना, अब हमें इसी डायगनल पे क्या करना पड़ेगा, इसी डायगनल पे ट्रेंगल बनाना शुरू करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ट्रेंगल। तो प्यारे बच्चों यहां पे जब ट्रेंगल बनाओगे आप, तो ट्रेंगल के लिए हमें दो साइड चाहिए, और देखो गिवन दो साइड कहां है, ये दिया है और ये दिया है। अब थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, थोड़ा थोड़ा दिमाग, रटना नहीं है, ठीक है। तो ट्रेंगल बनाने के लिए ये वाली साइड, ये वाली साइड दिए, तो ये वाली साइड मेजर करेंगे कंपास पे और एक आर्क मारेंगे, और फिर क्या करो ये वाली साइड मेजर करेंगे 5 सेंटीमीटर मेजर करेंगे, और इधर वाली क्या है 5.5 मेजर करके ये आर्क मारा, और ये वाला साइड 5 सेंटीमीटर मेजर करके हम लोग क्या मारेंगे, एक आर्क और मारेंगे जो कि ऐसे कटेगा। तो ये जो पॉइंट, ये जो इंटरसेक्शन, और याद रखना जब आप ये आर्क मार रहे हो तो ये इंटरसेक्शन होना चाहिए, कटना चाहिए कोई ना कोई यार। ये जो आर्क बना रहे होगे, ये वाला जो आर्क बनाओगे AD वाला, ये कटना चाहिए CD से, तब आपको ये फोर्थ पॉइंट मिलेगा। मतलब ये तो अभी के लिए क्या है, ये क्या है आपका थर्ड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, तो अरे धत्तेरे की, ठीक है ये है आपका थर्ड ही पॉइंट ले लो, ये थर्ड पॉइंट। तो ये क्या हो गया, ये जाएगा ये AD हो गया आपका ये, और ये बन जाएगा CD। तो ये आपका बन गया क्या, थर्ड ट्रेंगल बन गया, एक पहला ट्रेंगल आपका बनके तैयार हो गया। और यही आपको कंस्ट्रक्ट करना था, क्या इसी तरीके से आपको क्या करना था, फर्स्ट में भी कंस्ट्रक्ट करना था। अब क्या करोगे आप, अब क्या करना है, कुछ नहीं, आपको करना है BC आपको कंपास में मेजर करना है, और BC मेजर करने के बाद आपको क्या करना है, एक आर्क ऐसे बनाना है, BC मेजर किया और एक आर्क ऐसे बनाया। फिर क्या करोगे, जो आपको गिवन डायगनल है जैसे BD, तो BD को मेजर करोगे किसमें कंपास में, और यहां पे रखोगे क्या रखो, कंपास की जो सुई होती है वो यहां पे रखोगे और एक आर्क मारोगे। क्या करो, पहले तो मेजर करो इतना पूरा, फिर उसकी सुई रखो और फिर आर्क मारोगे, तो कुछ ऐसे कटेगा, क्या करेगा ऐटे। तो हमें ये जो मिल रहा है पॉइंट, ये मिल रहा है फोर्थ पॉइंट, क्या मिल रहा है फोर्थ पॉइंट, यहां पे हमें मिल रहा है। अब क्या करना है आपको, इसको क्या कर देना है, क्या ये जो डी मिल रहा है, ABC, ये है बी हमारा, ये बी पॉइंट, ये जो मिल रहा है इसको क्या करोगे, इससे ज्वाइन कर दोगे, क्या करोगे इससे ज्वाइन कर दोगे, और जैसे ही आपने ज्वाइन कर दिया, अब क्या कर देना, इसको इससे ज्वाइन कर देना, इसको इससे ज्वाइन कर देना, मिल गया आपको क्या, क्वाड्रिलेटरल मिल गया तैयार। तो अब हम लोग इसको देखेंगे कॉपी में किस तरीके से आपको ये बनाना है, बहुत ही सरल है, बहुत 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 ही सरल है। क्या आपको दिमाग में याद रखना है कि अगर मुझे डायगनल जैसा कुछ भी दिया रहेगा, डायगनल जैसा दिया है, तो हमें पहले तो डायगनल बनाना है, और उस डायगनल पे ट्रेंगल पहले बनाना है, क्या बनाना है ट्रेंगल, जिनकी चीजें हमें दी रहेगी उसी से हमें पहले ट्रेंगल बनाना, फिर स्टार्ट करेंगे बनाना। बहुत सरल है, बहुत 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 सरल। तो चलते हैं प्यारे बच्चों कॉपी की तरफ, अपने A4 शीट की तरफ, और चलते हैं बनाना स्टार्ट करते हैं, चलो। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो आ गए हम लोग अपने कॉपी की तरफ, और अब हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्या, हम लोग सॉल्व करेंगे अपना एग्जांपल नंबर 2। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या प्यारे बच्चों, अच्छे से हम लोग कंस्ट्रक्शन देखेंगे, और कंस्ट्रक्शन किसका देखने वाले हैं, एग्जांपल नंबर 2 का। और इसमें जो केस यूज होगा ना प्यारे बच्चों, वो होगा केस सेकंड, और जिसमें हम लोग क्या देखेंगे, दो डायगनल भाई साहब को देखेंगे, और दो तीन साइड, क्या तीन साइड देखेंगे, दो नहीं, क्या देखेंगे तीन साइड को देखेंगे। ये सब बता चुके हैं आपको अच्छे से, दो डायगनल तीन साइड, और डायगनल वाले क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अगर हमें कोई भी केस दिया है फर्स्ट और सेकंड, जिसमें क्या होता है, पहले वाले केस में होता है फर्स्ट डायगनल दिया हो और चार साइड दिया हो, और दूसरे वाले में हमें दो डायगनल दिया हो और तीन साइड दिया है, तो प्यारे बच्चों हमेशा याद रखना कि इस तरीके के कंस्ट्रक्शन में हम लोग सबसे पहले जो कंसिडर करते हैं, किसको लेंगे, साइड या डायगनल, डायगनल को हम लोग उठाना शुरू करते हैं। कोई भी डायगनल उठा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, डायगनल उठाएंगे और उस डायगनल पे हम लोग क्या करेंगे, ट्रेंगल बनाएंगे, क्या बनाएंगे ट्रेंगल बनाना शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, और आपको बहुत ही अच्छे तरीके से मैं बताऊंगा कि इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो प्यारे बच्चों बिना किसी देरी के, आपके समय को खाए बिना, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, ये सब लिखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लिखा रहने दो, हम लोग पढ़ेंगे क्या एग्जाम्पल को लिख रहा है। कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल ABCD गिवन दैट BC इज इक्वल्स टू 4.5 सेंटीमीटर, AD इज इक्वल्स टू 5.5 सेंटीमीटर, CD इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, द डायगनल AC इज इक्वल्स टू
5.5 सेंटीमीटर एंड ट्राइंगल BD इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। अब देखो प्यार बच्चों, मैंने बताया था जब भी आप सॉल्व करें, जब भी, तो हमेशा क्या बनाना है, अपने अपने को बनाना है प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना रफ डायग्राम, जिससे कुछ आइडिया हो कि किस तरीके से क्या क्या बनेगा। तो अपने पास क्या है, ABCD, तो अपना ABCD मैं ऐसे बना देता हूँ, मान लेते हैं कुछ है ऐसे बना दिया, टेंशन नहीं लेना है, किसी भी तरीके से आप बना सकते हो। समझ में आया कि नहीं, चलो चलो देखना शुरू करते हैं। तो ये है हमारे पास A मान लेते हैं, ये हमारे पास B मान लेते हैं, ये हैं C और ये हैं D भाई साहब हैं हमारे। अब हमने क्या किया, हम देखेंगे क्या क्या दिए हैं भाई साहब। हमें BC भाई साहब दिए हैं 4.5 सेंटीमीटर लिख दिए। अब इसके बाद AD दिए हैं, AD कितने हैं 5.5 सेंटीमीटर दिया है हमारे पास। CD, C और D मतलब ये वाले जो नन्हे मुन्ने प्यारे बहन हैं हमारे पास, ये कितने हैं 5 सेंटीमीटर दिए। और हमें क्या दिया, AC दिया है, मतलब अब डायगनल की बारी है, अब डायगनल की बारी है, तो डायगनल दे दिए हमें। डायगनल कितने दिए, 5.5 सेंटीमीटर का डायगनल दिए हैं ये वाला। और ये डायगनल, डायगनल बी और डी, बी ये हैं डी ये हैं भाई साहब, ये हमको कितना दिए हैं, ये हमको दिए हैं 7 सेंटीमीटर। तो हमेशा हमने ये चीज़ देख लिया कि हमें रफ डायग्राम बनाना है तो कुछ नन्ना मुन्ना सा हमें क्या हो गया, एक आइडिया हो गया कुछ इस तरीके से बनेगा। और मैंने हमेशा बताया है कि जब भी डायगनल वाले कोई भी केस आपको, मतलब कोई भी एग्जांपल या क्वेश्चन कोई भी आपको सॉल्व करना हो, तो हमेशा हम लोग डायगनल के केस में हमेशा डायगनल उठाएंगे। तो कोई भी डायगनल उठा सकते हो आप, ये वाला और ये वाला कोई भी उठा सकते हो। और उठाने के बाद उस पर हमें क्या बनाना है, पहले बच्चों ट्रायंगल बनाना है। तो ध्यान रखना कैसे बनाएंगे, तो हम देख सकते हैं ट्रायंगल बनाने के लिए यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, या AC भी ले सकते हैं और DB भी ले सकते हैं। DB पे कौन सा ट्रायंगल अच्छे से बना सकते हैं, क्योंकि ये वाली और ये वाली साइड दिया तो ये वाले बढ़िया से बन जाएगा, और ये वाले इस ये वाला अगर मैं लूँ डायगनल तो ये वाला और ये वाली साइड दिया तो ये भी बढ़िया बन जाएगा, हाँ के ना। क्योंकि अगर मैं ये वाले बनाने की कोशिश करूँगा तो ये वाली साइड तो है बट ये वाली तो हमें पता ही नहीं, तो ये वाली जब पता ही नहीं तो बनाओगे कैसे। तो हम लोग यही वाली अच्छे से बना सकते हैं, और इस वाले केसेस में DB वाले में ये वाला ट्रायंगल अच्छे से बना सकते हैं। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं 5.5 लेके, जो कि थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में, ठीक है, फील भी आएगा हाँ कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे लिया 5.5 सेंटीमीटर का, क्या करेंगे बताओ ना, आप बता नहीं रहे हो। 5.5 सेंटीमीटर की एक लाइन नन्नी सी मुन्नी सी खींच देंगे, चलो नन्नी मुन्नी लाइन खींच दिया मैंने, ठीक है, इसका नाम है नन्नी मुन्नी लाइन। ए ये हो गए, ये क्या हो गए, AC हो गए। बट ये नन्नी मुन्नी लाइन कितने कितने सेंटीमीटर की है कौन बताएगा, ये भाई साहब 5.5 सेंटीमीटर की नन्नी मुन्नी लाइन है। क्या नाम है, नन्नी मुन्नी लाइन है। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, अब हम लोग क्या करेंगे, इसी नन्नी मुन्नी लाइन पे ये वाला और ये वाला लाइन बनाएंगे। ये कैसे बनाएंगे, अपने नन्नी मुन्ने प्रोटेक्टर को यूज़ करेंगे। ये प्रोटेक्टर है क्या, कौन बताएगा ये प्रोटेक्टर है क्या, कौन बताएगा ये प्रोटेक्टर है कंपस। ये प्यारे बच्चों हमारे पास क्या है, कहेगा नहीं सर जी, ना ही प्रोटेक्टर है ना ही कंपस, ये तो गोला प्रकार के। अब देखो ये 5.5 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 5.5 हम लोग मेज़र करेंगे, तो ये हो गया हमारा 5 और ये हो गया 5.5, मेज़र करेंगे और देखेंगे। ये देखो मैंने क्या किया, इसको थोड़ा सा बड़ा किया और ये मिल गया हमें 5.5। तो 5.5 क्या है, सी से स्टार्ट है या ए से, देखो ए से, तो ए से हमने लिया और ये तुत सा एक आर्क बना दिया, या तुत सा एक आर्क बना दिया, ठीक, समझ में आएगा नहीं, हो सकता है आपसे हिले तो कोई बात नहीं, एक बार फिर से रब करो और बना लो, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से देखो सी से क्या है, सी से कितना है 5, तो इसको हम लोग 5 पे रखेंगे, तो ये 4 है ये 5, तो यहाँ पे 5 पे रखा और इसे थोड़ा सा कम किया, तो ये देखो हमारा 5 मिलके तैयार, ये देखो ये आगे ना मिलके तैयार हो गया। तो टेंशन नहीं लेने का, ठीक है, एक इत्तू सा भी टेंशन नहीं लेने का। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक आर्क यहाँ पे बना दिया, तो ये जो पॉइंट होगा प्यारे बच्चों ये हो जाएगा हमारा क्या, डी पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। अब ये आसानी से क्यों बन रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया है, बहुत ही अच्छे तरीके से हमने क्या किया है, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट भी देखा है और एक्सरसाइज 3.1 भी हमने बहुत ही अच्छे से कवर किया है। अगर आपने नहीं कवर किया है प्यार बच्चों तो उसको ज़रूर देख लेना, आपका हर एक डाउट अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक। तो ये हमारा हो गया डी पॉइंट, ये कितना था हमारा 5.5 सेंटीमीटर लिख दिए, और ये हमारे भाई साहब कितने थे 5 सेंटीमीटर, इनको भी लिख दिया हमने। इसी तरीके से अब हम लोग क्या करना है, ये और ये बनाना है, बट हमें इसको बनाने के लिए क्या ही करना पड़ेगा, कैसे बनाएंगे। अब ध्यान से सोचो कि हम 5.5 देखो ये 4.5 सेंटीमीटर को हम लोग ऐसे भी तो खींच सकते हैं, ऐसे भी खींच सकते हैं, थोड़ा सा ऐसे मोड़ के,
ऐसे भी खींच सकते हैं, थोड़ा ऐसे मुड़ के ऐसे खींच सकते हैं, ऐसे मुड़ के ऐसे, ऐसे भी मुड़ के ऐसे खींच सकते हैं। इसी तरीके से हमारे पास डीबी है, डीबी को हम लोग स्ट्रेट भी खींच सकते हैं, ऐसे भी खींच सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी खींच सकते हैं। तो एग्जैक्ट बी पॉइंट चाहने के लिए क्या करें, एग्जैक्ट बी पॉइंट जो है प्यारे बच्चों मुझे मिले, तो उसके लिए हम लोग अपना यूज़ करेंगे क्या, अपना ये यूज़ करेंगे जिससे हमें बी पॉइंट अच्छे से मिले। कैसे, अब देखो ये 4.5 है तो हमें कुछ नहीं करना है, इसमें क्या करेंगे 4.5 हम लोग यहाँ पे मेज़र करेंगे अच्छे से, 4.5 मेज़र कर लिया। अब क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे यहाँ सी पे ही पुट करेंगे क्योंकि सी से ये स्टार्ट है, बी 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 क्या है सी से ही जुड़ा हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे सी पे ऐसे रखेंगे और नीचे हमें चाहिए तो यहाँ पे क्या करेंगे ऐसे कुछ हम लोग बना लेंगे 4.5 का, ठीक है एक आर्क। अब क्या करेंगे, क्या करेंगे ए को क्या करेंगे एक सेंटर मान के, ए को नहीं लेंगे, क्यों क्यों नहीं लेना ए को, क्यों नहीं लेना क्योंकि ए की लेंथ ही नहीं दी है, अगर ए की लेंथ दी होती तो यहाँ पे एक आर्क मार देते और फिर इसको क्या करते इसको ज्वाइन कर देते, इसको ज्वाइन कर देते हो जाता, बट हमें दिया क्या है दो डायगनल दिए, एक डायगनल काम तो हो चुका, हमें दिया है दूसरा डी और बी दिया है, तो अब डी बी का काम चलाएंगे यहाँ पे, डी बी भाई साहब यहाँ पे हमारा अच्छा रोल निभाएंगे। डी बी कितना है 5.5 सेंटीमीटर, नहीं नहीं डी बी भाई साहब है हमारे 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिया मैंने ये 7 सेंटीमीटर, ओहो इसको क्या किया यहाँ पे रख के, ये भाई साहब बढ़ जाओ थोड़ा सा, हाँ 7 सेंटीमीटर मैंने बना लिया। अब इनको क्या करेंगे यहाँ डी पे रखा मैंने, थोड़ा सा इनको मैंने दबाया और ये मारा मैंने एक आर्क, ये आ देखो बना दिया एक आर्क। तो ये जो हमारा पॉइंट मिला ये कुछ और नहीं पॉइंट है, ये भाई साहब हमारे बी पॉइंट है, तो ये बी पॉइंट बन के तैयार। अब ये बी पॉइंट को हम लोग इससे जोड़ेंगे और भाई साहब इससे जोड़ेंगे, ठीक हाँ कि ना, तो ये हमारा बन के तैयार। तो ये वाला जो होगा हमें इससे कोई मतलब नहीं है, अगर आप चाहें तो इसके मेज़र भी कर सकते हैं, तो ये अगर आप मेज़र करेंगे तो ये आएगा कुछ क्या 3 सेंटीमीटर के लगभग लगभग ये आएगा, तो कोई बात नहीं इसे आप 3 सेंटीमीटर ना ही लिखें क्योंकि इसमें पूछा ही नहीं है कितना है, ठीक है समझ में आ रहा है कि नहीं आपको, इतना समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये भाई साहब हमारे बी सी जितने थे 4.5 लिख दो आप, ठीक सेंटीमीटर में लिख दो और इनको ऐसे ज्वाइन कर दो यहाँ से यहाँ, और इनको बता दो कितने थे ये 7 सेंटीमीटर थे, ठीक। तो ये हमारा क्या हो गया, आराम से हमारा क्या हुआ ए बी सी डी क्या हो गया हमारा क्वाड्रीलेटरल तैयार हो गया। तो हमेशा याद रखना कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है तो सबसे पहले क्या करोगे रफ़ डायग्राम भाई साहब को बना लोगे और देख लेना क्या कि अगर केस क्या है हमारा डायगनल वाला, हाँ कि ना, तो डायगनल पहले हमें क्या करना है बनाना है और फिर बाद में हमें ट्रेंगल बनाना शुरुआत करना है, जैसे ही बनाओगे काम आपका अच्छे से होने लगेगा। तो हम लोगों ने इस वाले क्वेश्चन नंबर 2 को प्यारे अच्छे तरीके से नन्हे मुन्ने क्वेश्चन को अच्छे से कवर कर लिया है। अब जो हम लोग पढ़ेंगे ना प्यारे बच्चों वो हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या एक्सरसाइज 4.2 पढ़ेंगे और उसमें भी हमें क्या लेना लगी यूज़ करना होगा केस सेकंड को जिसमें हमें 2 डायगनल और 3 साइड दे गया होगा, तो उसमें भी इसी तरीके के क्वेश्चन होंगे, थोड़ा बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा जो कि हम लोग वहाँ पे अच्छे से लगाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों उम्मीद करते हैं आपको कुछ समझ में आया होगा, तो मिलते हैं क्या अपनी अगली वीडियो में, तब तक आपको क्या करना है अपना ख्याल रखना है। और हाँ अगर आपको सुन लो पहले अच्छे से कि ये जो है इसके जो स्टेप्स हैं ना इसको मैं अच्छे से आपको सॉल्व करवाऊंगा, एक सेपरेट वीडियो मैं अच्छे से उसमें बताऊंगा कि स्टेप कैसे लिखते हैं, तो आपको कोई भी टेंशन लिखने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है अगर आप ये वीडियो लेट में देख रहे हो तो आपको ये क्या होगा प्लेलिस्ट में इसकी वीडियो ज़रूर दी होगी, तो आप देखिएगा तो वहाँ पे मैंने अच्छे से बताया है इस स्टेप को, वहाँ पे मैं अच्छे से बताऊंगा आपको कि कैसे कैसे इन सब चीज़ों के स्टेप्स को लिखते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों कोई टेंशन मत लो, नन्नू सी मुन्नी सी कोई भी टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन करना सीख जाओ और सब आपको धीरे धीरे वो भी आ जाएगा 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तथा आप अपना ख्याल रखो और इसको रिवाइज करना मत भूलना अगर आपको नहीं आता है तो मेरे प्यारे बच्चों अपना ख्याल रखो, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।